मैं तो यही काम करूंगा, मेरे को बड़ा मजा आता है। और दो टाइम की रोटी मिल जाए अब होते हैं। ये धंधे में तो दम वाली बात नहीं। मेकिन नगर हमारा बहुत सुंदर नगर है साहब। टायर लाइन से तो अच्छी कोई लाइन ही नहीं मेरे हिसाब से। अल्लाह का शुक्र है दाल रोटी चल रही घर की। टायर लाइन का काम सदाबहार का। वही जो काला काम है हम कर रहे हैं, बाकी और कोई नहीं कर रहा। बच्चे हमारे हम चाहते हैं, और अगर आगे मालिक की मर्जी हो गई तो एक आध बच्चा आ गया बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, इस उम्र में तो बस जो टाइम निकल जाए वो बढ़िया ही है। ईमानदारी का काम है भैया, सबने कोई सा भी काम हो मेहनत करो, ईमानदारी से करो तो आपको अच्छा ही सिला मिलेगा। मेरा नाम इरफान मुल्तानी है। हमारा ट्रक का काम है, ट्रक खोलना, एक्सीडेंटल ट्रक को खोलना, पसना, चीज रिपेयर करना, बहुत मेहनत का काम है इसमें। हम नए जो है इसके अंदर आना पसंद नहीं करते, हम नई नई जनरेशन लेकिन बस पुराने लोग बचे हैं वही काम करते हैं। हमारे यहाँ तीसरी पीढ़ी काम कर रही है। दादा दादा के बाद हमारे भाई थे बड़े, वो फिर मेरा भतीजा है, वो तीसरी पीढ़ी का काम कर रही है। हमारा 100 साल होगा कम से कम, 80 से 100 साल। मेकिन नगर हमारा बहुत सुंदर नगर है साहब। आप देख ही रहे हैं यहाँ पे कुछ भी समस्या नहीं है कि हमारे यहाँ पे एक मच्छर भी नहीं है। यहाँ पे मच्छर के साथ ग्राहक भी नहीं है। और बहुत सीधे लोग हैं यहाँ के। एक बार जो उनसे हाँ बहुत सीधे लोग, और व्यापार तो इतना तेज गति से चलता है यहाँ पे कि शाम तक ग्राहकों के लिए मक्खी मारना पड़ती है। अब आ जाओ, अब आ जाओ, अब आ जाओ। हेला चलाता हूँ, पर मैं ये नहीं चाहता कि मेरे बच्चे भी इस लाइन में आए। मैं इसी लाइन में हूँ और बड़ा काम करूँगा। तो हम अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, इनकी लाइफ बनाना चाहते हैं, इनकी लाइफ या लाइफ खराब नहीं करना चाहते हैं, ये सोचता हूँ। मैं आगे भी करूँगा ये काम, मुझे मेरा काम अच्छा लगता है। दिमाग को लोड रहता टीम का, क्या करे, लखपति तो ही नहीं है, मजदूर आदमी है। मैं तो बड़ा होके ही काम को अच्छा बड़ा करूंगा, खूब पैसा कमाऊंगा बड़ा। और वो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मैं 1 साल से काम कर रहा हूँ और बहुत खुश हूँ। तो कभी कभी ऐसी इच्छा होती है आत्महत्या करनी, तो दिमाग को टेंशन रहता है, आज काम हुआ कल नहीं हुआ, 2 दिन नहीं हुआ, 4 दिन नहीं हुआ। मेरा नाम मोहम्मद शकील कुरैशी। मैंने बचपन से लेकर आज तक के सिर्फ टायर का ही काम करा है। पहले मैं पंचर स्टेपने का काम करता था, धीरे धीरे हालात को देखते हुए फिर मैं पूरा टायर का कारीगर बना।
और आज ऑलराउंडर कारीगर हूं मैं। और जीवन का क्या है बॉस, जीवन तो बहुत अच्छा गुजार रहा है और बेपना लड़के मेरे हाथ के नीचे से निकले हैं। और आज पूरे मार्केट में मुझे शकील नाम तो बहुत कम कहते हैं, उस्ताद नाम ही कहते हैं। स्कूल जाता था मैं, पर वो बच टाइम का माहौल कुछ अलग था, गरीबी के हालात थे, तो इसलिए फिर हमने ये काम सीखा। ये काम करते करते मेरे को होगा 25 साल। ये धंधे में तो दम वाली बात है। ये तो डी एंड चल रही है। मैं 10 साल से काम कर रही हूँ यहाँ पर और एक ठेला चला रही हूँ और टीचर से बिल्कुल निजात नहीं है। टीचर बहुत बढ़िया है, देखो आपके सामने कितनी तकलीफ उठा रहा है। ये परेशानी ये है, रोड बन जाए तो बहुत अच्छा है। बारिश में तो पांव इतने इतने घुस जाते हैं, इतने इतने पांव घुस जाते हैं, बहुत कीचड़ हो जाता है। अब डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, वकील का बेटा वकील बनता है, प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री बनता है, राष्ट्रपति का बेटा राष्ट्रपति, तो भंडार बेचने वाले का बेटा भंडार बेचने वाला। मेरा नाम अल्पेश है, ये मेरा पापा की दुकान है, यहाँ एल्यूमिनियम पॉलिश करते हैं। यह काम अच्छा नहीं लगता, ये काम थोड़ा कचरा उड़ता है तो अलग नहीं आता, पेट में आता है। ये ऐसा काम है, ये मतलब अपना निकिल होता, कुरुम होता है एल्यूमिनियम। मैं अभी काम कर रही हूँ, बाकी घर की दुकान है तो अपन मतलब पैसे वैसे लेते नहीं, बस जो हफ्ते में खर्चा पानी पैसे वैसे लगता है वो ले लेते हैं, बाकी पापा कपड़े दिला देते हैं। जैसा अभी मोबाइल लेना था, मोबाइल दिला दिया पापा ने। मेरा नाम साहिद है, मैं टायर का काम करता हूँ। मैंने ये काम करके दिक्कतों के कारण शुरू किया, मैं तो अपनी मर्जी से काम कर रहा हूँ। हमारे बच्चों ने एजुकेशन नहीं लिया तो दुख है इस बात का, हम नहीं चाहते थे वो इस फील्ड में आए। मजबूरी है, एजुकेशन नहीं कर पाए, वो उनको नहीं आना पड़ा। अब हम नहीं चाहते आगे और कोई पीढ़ी आए। प्रॉफिट नहीं है, चारों तरफ से परेशानी है, माल नकद में लोग यहाँ गाड़ी वालों को उधारी में बांटो, बाद में भीख मांगो उनसे पैसा देते। किसी वक्त में अच्छा काम था, अपनी बचा। यादगार लम्हा तो हमने जब कमानी उठाना सीखा वही हमारा यादगार लम्हा था। हम सोचते थे कि ये चीज को उठा ही नहीं पाएंगे, लेकिन हम उसको उठाने लग गए। जब मैं आया था ना, सबसे यादगार लम्हा वही था जब वो छोटी गाड़ी होती थी उसकी कमानी में सोचता था कि उठेगी कि नहीं उठेगी, लेकिन जब वो उठ गई तो मैंने सोचा यार कर सकते हैं। मन घर के हालात और की वजह से फिर अपनों को काम करना पड़ा, पढ़ाई छोड़ के पास करके पढ़ाई छोड़ी। हम चाहते थे कि पढ़ लिख के कुछ अच्छा आदमी बने। मेरा नाम शेख अली, मैं बड़े होके क्या करना चाहता हूँ मैंने अभी नहीं सोचा।
मैं ये काम टाइम पास के लिए करता हूँ, पैसा ऐसा भी आ जाता है बचे वाने के लिए। मैं तो यही काम करूंगा, मेरे को बड़ा मजा आता है। काफी हार्ड वर्क ही है, आसान नहीं है उठाना, हेवी वेट होता है तो आसान नहीं होता ना, ऐसे ही नहीं होता है, बहुत हेवी होता है। तभी फिटिंग में प्रॉब्लम होती है, उसको निकालना इतना हेवी रहता है, आसान नहीं है उसको उठा के रखो, 200 किलो का रहता है, नीचे रखो निकालो फिर रखो। शुरू शुरू में जब आ रहा हूँ तो बहुत हार्ड लगता है, लेकिन जब से काम सीखा नॉर्मल लगने लगा, बहुत कुछ सीखने में मिलता है। इसमें हाथ पैर टूटने का डर रहता, मतलब नॉर्मल काम नहीं है, रिस्की काम है, बहुत सोच समझ के करना पड़ता है, उठाना पड़ता है। आज का जो हालत आ गया मोटर लाइन के, वो सब तक खराब दौर है, ऐसा सोचा ही नहीं था, ऐसा सोचते तो इस लाइन में ही नहीं आते जो आज का दौर चल रहा है। हम नहीं चाहेंगे कोई पोता पोती इस लाइन में, अच्छे पढ़े और अच्छे आगे जा। क्योंकि वो तो योग तो ऊपर वाला लिखता है, संतुष्ट है, मन उसने हो सकता अपने को इसीलिए पैदा किया हो।